अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? अच्छे हो? ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अवर शॉर्ट प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। रामनारायणं जानकीवल्लभं। नाउ ओपन योर आईज वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिफोर नंबर्स में, राइट? आफ्टर नंबर आपको इजीली आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको काउंटिंग आती है, तो जब आप काउंटिंग में बोलते हो तो वो सीधे नंबर वाइज आता है, नंबरिंग ऑर्डर में आता है, तो पर्टिकुलर ऑर्डर में होने की वजह से आपको आफ्टर नंबर फटाफट से आ जाता है, लेकिन बिफोर नंबर में दिक्कत आती है, राइट? तो बिफोर नंबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है रिवर्स काउंटिंग। मैं बताती हूँ व्हाट इज रिवर्स काउंटिंग, ठीक है? मैं चौक ले लूँ कब तक, फिर हम सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है वो, ओके? सो बिफोर नंबर में क्या होता है, जब आप आफ्टर नंबर करते हो तो हम जाते हैं फॉरवर्ड, लेकिन जब हम रिवर्स नंबर करेंगे तो वो होगा हमारा बिफोर नंबर। बिफोर नंबर जाने के लिए यहाँ से यहाँ जाना होता है, 10 to 1 जाना होता है, और जब आफ्टर नंबर करते हैं तो हम जाते हैं 1 to 10। 1 to 10 की तरफ आफ्टर, 10 to 1 की तरफ होता है रिवर्स नंबर। तो पहले तो आपको ये लिख लेना है 0 to 10, ऊपर मैंने लिखा है एज इट इज, अपनी नोटबुक में लिख लेना। इससे क्या है होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इजी रहेगा। इसमें जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, बार 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 ऐसा लिख के आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा बिफोर नंबर याद रखना। तो सबसे पहले क्या पूछा है, 2। 2 के पहले क्या आता है, तो देखो हम रिवर्स नंबर जब जाते हैं तो 2 के पहले क्या आया, 1 आया, यस। फिर पूछा है 5 के पहले, 5 के पहले ब्लैंक दिया हुआ है, तो ये रहा 5 नंबर, तो उसके पहले कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4। फिर पूछा है 7 के पहले क्या आता है, तो आपके पास ये ग्रिड लिखी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप उल्टा जा रहे हो, ऐसे जा रहे हैं ना हम, 6, 7 से उल्टा गए तो पहले क्या आया 7 के, 6 आया। फिर 6 के पहले क्या आता है, ये रहा 6, और 6 के पहले क्या आया, 5 नंबर आया। फिर पूछा है 4 के पहले क्या आता है, तो ये रहा 4 नंबर, और 4 के उल्टा गए हम तो क्या मिला हमको, नंबर 3। फिर पूछा है 9 के पहले क्या आता है, तो ये रहा नंबर 9, और 9 से उल्टा गए तो पहले क्या आया उसके, 8। तो इन शॉर्ट आपको रिवर्स नंबर आने चाहिए, तभी आपको बिफोर नंबर अच्छे से आएंगे। तो मैं आपको 3 to 4 टाइम्स बताती हूँ रिवर्स नंबर कैसे काउंट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ 10। आज के वीडियो में हम 1 to 10 के बिफोर नंबर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वाले में 11 to 20 के पढ़ेंगे, ठीक है? तो
टेन टू वन जाना है आपको बिफोर नंबर करने के लिए, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कैसे जाओगे रिवर्स नंबर? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया रिवर्स नंबर। आपके पास आपकी 10 फिंगर्स है, 10 फिंगर्स के साथ आप काउंटिंग कर सकते हो। कैसे काउंटिंग करोगे रिवर्स? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 खत्म हो गया। तो ऐसे आपको अपनी 10 फिंगर्स लेके 10 टू 1 बोलना है। 1 टू 10 तो आपको आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या करना है आपको? रिवर्स काउंटिंग करनी है। जब तक आपको रिवर्स काउंटिंग नहीं आएगी तब तक आपको बिफोर नंबर में दिक्कतें आती रहेंगी। तो आपको ये पूरा बोलना आना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे आपको पता है कि 6 के बाद 7 आता है, अगर आपको रिवर्स काउंटिंग आती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि 7 के पहले 6 आता है। तो कैसे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ठीक है। सो, आपको क्या करना है, आपकी जो मैथ्स की नोटबुक है उसमें एज इट इज ऐसा का ऐसा यही हेडिंग डालना है, बिफोर नंबर 1 टू 10। 1 टू 10 के बिफोर नंबर्स कैसे करेंगे हम? पहले यहाँ नीचे 1 से लगा के 10 तक लिख लो। 0 भले ना लिखना तो मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, मैं इरेज कर देती हूँ, बस मत लिखना, सीधा 1 से शुरू करो। 1 से लगा के 10 तक के नंबर्स वहां पे लिख लेना आप एक बार। उसके बाद जब ये सॉल्व करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 9 के पहले क्या आ रहा है, 7 के पहले क्या आ रहा है, 5 के पहले क्या आ रहा है, 3 के पहले क्या आता है, 2 के पहले क्या आता है। पहले इस ग्रिड के साथ, इसको नंबर ग्रिड बोलते हैं, तो इस ग्रिड के साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी से आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। तो पहले ऊपर ये वाली पूरी लाइन, पूरा बार बना ही देना, 1 से लगा के 10 तक का पूरा एक ग्रिड बना के रेडी कर लेना, फिर नीचे नंबर सॉल्व करने बैठना। तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद देख सकते हो कि मुझे उल्टा जाना है और उल्टा जाके चेक करना है कि इसके पहले कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो ये एज इट इज अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना और कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ रिवर्स काउंटिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 समझ में आ गया? ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद 11 टू 20 के बिफोर नंबर, ठीक है। सो टिल देन प्रैक्टिस दिस, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बिफोर नंबर्स के साथ। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।